Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in the English class. I'm sure you all are good, doing well and happy in your homes. Take good care of yourself children, stay happy and stay healthy. We have started unit 12, that is opposite words in grammar. So children, take out your grammar book, that is Superb English Grammar Book 1 and open page number 47. Okay, we have already started this chapter, this unit, that is opposite words. ठीक है ना, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ऑपोजिट वर्ड्स. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर, इसी यूनिट के साथ आज आप कंटिन्यू करेंगे. एज यू ऑल नो दैट ऑपोजिट्स का मतलब होता है उल्टा, जैसे हिंदी में किया होगा विपरीत अर्थ वाले शब्द. सो ऑपोजिट्स आर द वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग, किसी भी वर्ड का ऑपोजिट मतलब उसकी ऑपोजिट मीनिंग. ऑपोजिट्स आर ऑल्सो नोन एज सिनोनिम्स, ऑपोजिट्स को सॉरी एंटोनिम्स भी बोलते हैं. सिनोनिम्स का मतलब है सेम मीनिंग वाले वर्ड एंड एंटोनिम्स मीन्स वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग. ऑपोजिट, जैसे कोई बहुत टॉल है, कोई बहुत शॉर्ट है, अ बिग बलून अ वेरी स्मॉल बलून. ठीक है, माई हाउस इज वेरी फार फ्रॉम द स्कूल एंड माई हाउस इज वेरी नियर. सो जो वर्ड्स हमको बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग बताते हैं उसको कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दीज वर्ड्स एंड टूडे वी विल कंटिन्यू. वी डिड सम ऑफ द वर्ड्स यस्टरडे, कल की क्लास में हमने कुछ एक ऑपोजिट वर्ड्स किए. टूडे इन दिस क्लास वी विल बी डूइंग फ्यू मोर वर्ड्स, हम कुछ और वर्ड्स करेंगे आज की क्लास में. ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स. द बेसिक एम, द मेन एम इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, मतलब आपके पास जो वर्ड्स की जो नॉलेज है, जितने आपको वर्ड्स मालूम है उसमें और इंक्रीज करना, मतलब उसमें और वर्ड्स एड हो. ठीक है, किसी भी नॉलेज हमारी कोई भी चीज कैसे बढ़ती है, व्हेन यू कीप ऑन एडिंग. एक बास्केट में 5 मैंगोज हैं, उसको अगर और मैंगोज बढ़ाने हैं तो उसमें आपको और मैंगोज ऐड करना होगा. तो सिमिलरली जैसे जो वर्ड्स आपके पास आपके दिमाग में आपकी नॉलेज में जितने वर्ड्स हैं आपकी नॉलेज और बढ़ेगी. इफ यू कीप ऑन एडिंग समथिंग मोर टू इट, आप उसमें और ऐड करते रहोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी. सो द एम इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, मतलब आप और ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स जानो. ठीक है, सो लर्न मोर वर्ड्स एंड लर्न न्यू वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स होंगे, इनसे आप फेमिलियर होंगे, बहुत सारे वर्ड्स से यू मे नॉट बी फेमिलियर. जो हम ऑपोजिट वर्ड से भी करेंगे, विथ लॉट ऑफ वर्ड्स यू मे बी फेमिलियर कि हाँ ये तो हमें आता है, बट बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे या आपने नहीं सुने होंगे, यू मे नॉट बी फेमिलियर विद देम. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. ऑपोजिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स को हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स भी बोलते हैं. ठीक है, ऑपोजिट दैट इज वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग. जैसे हमने बोला ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट. ईस्ट एंड वेस्ट टू ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे अगर इधर ईस्ट है सो दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो बिल्कुल ऑपोजिट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट पेज नंबर 47. यू कैन सी द पिक्चर्स, फैट थिन, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, बट स्टिल लाइक ऑलवेज आई विल फर्स्ट रिवाइज and then we'll start today's work. So fat, as you can make out from the picture that the person is very fat and thin. Thin matlab patla, fat mane mota, thin patla. Then cold, cold means thanda or hot.
हॉट मीन्स गर्म. वी ऑल नो दैट आइसक्रीम इज ऑलवेज कोल्ड एंड दिस इज हॉट टी. यू कैन सी द स्मोक कमिंग आउट ऑफ इट, धुआं दिख रहा है. देन बिग एज कम्पेयर टू द देयर इज पिक्चर ऑफ टू केक्स. और अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ बिग केक एंड सेकेंड पिक्चर इज अ स्मॉल केक. देन यंग एंड ओल्ड. ठीक है, नाउ वी विल डू सम मोर ऑपोजिट वर्ड्स. These words, I am writing the words on the board. You have to learn these words. There are some words in your book. I am writing few more words which are not there in your book. Okay, कुछ और words मैं लिख रही हूँ, opposites लिख रही हूँ जो कि आपकी book में नहीं है. This is for your additional knowledge. So you have to learn these words. Okay, now. Learn the opposites like above. Above का मतलब क्या है? ऊपर. Above the roof. Above my house, above माने किसी चीज के ऊपर. So above and below. Above मतलब ऊपर and below means नीचे. Then आप maths में addition करते हो, subtraction करते हो. So addition and subtraction, they are also opposites. Add में what do? You bring together, you keep on adding. Add में हम एक साथ चीजों को लाते हैं, छोड़ते हैं. एंड सब्ट्रैक्ट में उसके ऑपोजिट हम चीजों को अलग अलग कर देते हैं. वी टेक अवे थिंग्स. एडिशन में वी ब्रिंग द थिंग्स टूगेदर एंड इन सब्ट्रैक्शन वी टेक अवे थिंग्स. सो एड एंड सब्ट्रैक्शन आर ऑल्सो ऑपोजिट. एड एंड सब्ट्रैक्ट, दीज आर ऑल्सो ऑपोजिट. देन बिफोर एंड आफ्टर और आफ्टर बिफोर. अबव का ऑपोजिट इज बिलो. तो बिलो का ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ बिलो इज अबव. ऑपोजिट ऑफ एड इज सब्ट्रैक्ट. सो ऑपोजिट ऑफ सब्ट्रैक्ट विल बी एड. अबव सॉरी आफ्टर. आफ्टर मीन्स बाद में. आफ्टर का क्या मतलब है? आफ्टर एंड बिफोर. आफ्टर मतलब बाद में. बिफोर माने पहले. सो आफ्टर एंड बिफोर दीज आर ऑल्सो क्या है? ये ऑपोजिट्स है. आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले. सो ऑपोजिट ऑफ आफ्टर इज बिफोर एंड ऑपोजिट ऑफ बिफोर इज आफ्टर. ओके, देन ब्यूटिफुल. बी ई ए यू टी आई एफ यू एल. ब्यूटिफुल and opposite of beautiful is ugly. Beautiful means सुंदर. Ugly means बदसूरत. Beautiful is खूबसूरत. जैसे हिंदी में खूबसूरत, उसका विलोम क्या हुआ? बदसूरत. तो in English it is beautiful. Beautiful means सुंदर and उसका opposite है ugly. ठीक है, ugly means बदसूरत. Then black. black black is kala and opposite of black is white. Now like colors way, with all the colors you cannot say ki opposite of red is green or yellow is blue. theek hai, but black and white ya to safed hai ya kala hai. so black and white are opposites. we cannot say that red and green are opposites or red and white are opposites. these are not opposites. ब्लैक मतलब एक एक्सट्रीम, बिल्कुल ब्लैक. व्हाइट मतलब एकदम सफेद. तो जैसे हिंदी में बोलते हैं हम काला सफेद या सफेद काला. सो ब्लैक एंड व्हाइट आर ऑपोजिट. ऑपोजिट ऑफ ब्लैक इज व्हाइट. ऑपोजिट ऑफ व्हाइट इज ब्लैक. देन बिटर. बिटर बिटर मतलब कड़वा. स्वीट मतलब मीठा. जैसे बिटर मतलब कड़वा.
जो बिटर गुड होता है करेला, करेला कड़वा होता है, जिसे बिटर गुड इज बिटर कड़वा। एक होता है सार, सार का ऑपोजिट भी स्वीट है, जैसे इफ आई राइट सार, सार मीन्स खट्टा, एस ओ यू आर, एंड सार का ऑपोजिट भी स्वीट है, बिटर मतलब कड़वा और स्वीट मीन्स मीठा, बिटर गुड इज बिटर, शुगर इज स्वीट एंड सार इज खट्टा, दिस ऑरेंज इज वेरी सार, बहुत खट्टा है ये, एंड स्वीट इज अगेन मीठा, सो बिटर एंड सार में डिफरेंस है, बिटर इज कड़वा और सार मीन्स बहुत खट्टा, जैसे इमली होती है खट्टी, कच्चा आम है, जो खट्टी चीजें, जो छोटे वाले बिल्कुल ऑरेंजेस होते हैं जिसको नारंगी बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत खट्टा होता है, सो दे आर सार, दे आर नॉट बिटर, कड़वा नहीं है, दे आर सार। सिमिलरली देन बिटर देन टॉल एंड शॉर्ट, ये हमने मैथ्स में भी पढ़ा था कि व्हेन वी मेजर द हाइट, तो हाइट के लिए हम क्या बोलते हैं, वेरी टॉल और शॉर्ट, he's a tall person, he's a tall man, she's a tall short woman, he is a tall man, he is a short man, and long ka opposite bhi short hota hai, long and short, long is tall ka opposite bhi short hai, uncha chhota, isse uncha, short means yahan pe neecha, and long, long ka bhi short hai, long means lamba, theek hai। मैथ्स में हमने पढ़ा था ना कि व्हेन वी मेजर द हाइट ऑफ समथिंग, हाइट ऑफ एनी वन, एनी पर्सन, हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग, ट्री, इट्स अ वेरी टॉल ट्री, दिस इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग, ही इज अ टॉल मैन, टॉल मीन्स ऊंचा, जब हम हाइट मेजर करते हैं, सो टॉल, शॉर्ट एंड लॉन्ग, व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग, किसी चीज की जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो दैट इज लॉन्ग, लंबा एंड शॉर्ट, okay, this is a long way, this is a long rope and this is short, theek hai, then open, close, open means kholna, o p e n, this is children, o p e n, open and close, open means khola, close means band karna, start, finish, start matlab kisi kaam ko shuruaat karna aur finish matlab khatam karna, theek hai, start means shuru karna, फिनिश मीन्स खत्म करना, और वी कैन से बिगिन एंड एंड, बिगिन का मतलब भी स्टार्ट है, लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम, द लेट अस बिगिन द प्रोग्राम, बिगिन का मतलब भी स्टार्ट होता है, फिनिश खत्म, एंड मतलब भी खत्म, ठीक है ना, द मूवी हैज एंडेड, बट दोनों का यूज अलग अलग है, वी डू नॉट से द मूवी हैज फिनिश्ड, द मूवी हैज एंडेड मतलब वहीं पे खत्म हो गई, एंड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना अभी का जो काम है पूरा कर लिया, वी डू नॉट से आई हैव एंडेड माई वर्क, वी से द मूवी हैज स्टार्टेड, द मूवी हैज बिगन, बट वी से द मूवी हैज एंडेड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, द रेस हैज एंडेड मतलब खत्म हो गई, ठीक है, तो यूज अलग अलग है, देन फार एंड नियर, फार मीन्स दूर एंड नियर मीन्स पास, फार माई हाउस इज वेरी फार फ्रॉम द स्कूल, माई हाउस इज नियर टू द स्कूल, देन पावरफुल एंड वीक, पावरफुल मतलब बहुत स्ट्रांग, ताकतवर, हैविंग लॉट्स ऑफ पावर, एंड वीक मतलब कमजोर, देन थिक एंड थिन, हैव यू रिटन, नो,
थिन होता है, फैट मीन्स मोटा, एंड थिक, थिक का मतलब भी मोटा होता है. दिस बुक इज वेरी थिक, वी डू नॉट से दिस बुक इज वेरी फैट. फैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन्स वेट, जैसे किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो वी से दैट मैन इज वेरी फैट. बट जैसे जब हम चौड़ाई की बात करते हैं, बुक इज वेरी थिक, दिस द ट्रंक ऑफ दिस ट्री इज वेरी थिक, द ट्रंक ऑफ बनियान ट्री इज वेरी थिक. वी डू नॉट से द ट्रंक ऑफ बनियान ट्री इज वेरी फैट, फैट नहीं बोलते हम. वी से द ट्रंक ऑफ पीपल ट्री और द ट्रंक ऑफ बनियान ट्री इज वेरी थिक, थिक, एंड द ट्रंक ऑफ अशोका ट्री इज वेरी थिन. देन स्मूथ, स्मूथ एंड रफ. स्मूथ का मतलब है बिल्कुल चिकना. द सर्फेस ऑफ दिस टेबल इज वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ सर्फेस है. एंड दिस रोड इज वेरी रफ, रफ मतलब उबड़ खबड़, जो कि स्मूथ ना हो. समथिंग विच इज नॉट स्मूथ इज रफ. सो अबव बिलो, द ऑपोजिट ऑफ अबव इज बिलो एंड द ऑपोजिट ऑफ बिलो इज अबव. ठीक है ना, इसका ऑपोजिट ये होगा तो इसका ऑपोजिट ये होगा. एड सब्ट्रैक्ट, एड का ऑपोजिट सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एड. देन आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर और बिफोर आफ्टर. आफ्टर का ऑपोजिट क्या है, बिफोर, सो बिफोर का ऑपोजिट क्या होगा, आफ्टर. देन ब्यूटिफुल अगली, द ऑपोजिट ऑफ ब्यूटिफुल इज अगली, द opposite of ugly is beautiful. Black, white, the opposite of black is white, the opposite of white is black. Then bitter, sweet, bitter matlab kadwa, bitter ka opposite kya hai, sweet, and sweet ka opposite hai bitter. Then sour and sweet, the opposite of sour is sweet and the opposite of sweet is sour. Then tall and short, the opposite of tall is short, tall means ucha, and the opposite of tall is short, opposite of short is tall. Then long and short, the opposite of long is short and the opposite of short is long. Open, close, opposite of open is close, opposite of close is open. Then start and finish, opposite of start is finish, opposite of finish is start. Then begin, end, opposite of begin is end, opposite of end is begin. Then far and near, opposite of far is near and opposite of near is far. Far mane doof, near mane pass. Powerful and weak, powerful is very strong, weak matlab kamzor. So powerful का ऑपोजिट क्या है, वीक है, एंड वीक का ऑपोजिट इज पावरफुल. देन थिक एंड थिन, ऑपोजिट ऑफ थिक इज थिन एंड ऑपोजिट ऑफ थिन इज थिक. स्मूथ रफ, स्मूथ मतलब बिल्कुल स्मूथ चिकना, एंड रफ मतलब ऊबड़ खाबड़. स्मूथ का ऑपोजिट अगर रफ है तो रफ का ऑपोजिट क्या होगा, स्मूथ होगा. ठीक है ना, तो यू कैन राइट बोथ. अगर वॉट इज द ऑपोजिट ऑफ थिक, thin. What is the opposite of thin? Thick. ठीक है, and then new का opposite old होता है. जैसे new means नया, old means पुराना. ठीक है, so here new and old related to something. When we talk about something, this is a new book, this is the old book. लेकिन जब हम age के लिए बात करते हैं, then we say young and old. In that case also opposite of young is old. ठीक है, like my father is young but my grandfather is old, my mother is young but my grandmother is old. So new and old, young and old. New that is when we talk of something, and young and old that means when we talk of age. ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो नई या पुरानी, then we say new and old. और जब हम एज के बारे में बात करते हैं, देन वी से यंग एंड ओल्ड. ओके, सो चिल्ड्रन यू हैव टू लर्न दीज ऑपोजिट्स. ओके, यू कैन राइट, आई होप यू आर राइटिंग इन दिस इन योर नोटबुक.
So now I am going to rub this and we will start the exercises now. Okay, I hope you all have written. Page number 48. Okay children, page number 48. And you do the exercises with me. Aap log mere saath saath, jaise main board pe exercises kar rahi hu, to you keep on doing it in your grammar book. Ya aap apni grammar book mein exercise karte chaloge. Theek hai? First, choose the correct option. First exercise was learn the opposites. This we have already done. Now second is choose the correct option. Choose the correct options and fill in the blanks. That means with each sentence two words are given. You have to fill in the blanks with the correct option. The first one is the rabbit, R-A-B-B-I-T. The rabbit is a dash animal. Okay, and the options are big, oblique, small. First, I will write the sentences and after that we will complete them. Okay? Second is my G-R-A-N-N-Y. My granny is dash. And the options are Y-O-U-N-G. Young, oblique, old. Then third, Mr. Tata is a dash man. And the options are rich, oblique, poor. Fourth is cake is dash and yummy, Y-U-M-M-Y. And the options are soft, oblique, hard. And fifth is please, P-L-E-A-S-E, please sit dash. And the options are up, down. Now let us complete them. First is the rabbit is a dash animal. Big or small. What kind of an animal rabbit is? These are children all describing words. Not of course all, like big and small. These are telling us about the size. Big or small, dono hame size bata rahe hain. Yahan pe kya hoga? The rabbit is a, we all know that rabbit is a small animal. So the correct word is the rabbit is a small animal. The rabbit is a small animal, elephant is a big animal. So big and small, both these words are telling us the size of something. Then my granny is dash. Granny is the short form for grandmother. जैसे हम नानी या दादी के लिए grandmother use करते हैं, so granny is the short form for grandmother. So granny, grandmothers are normally old. तो हम granny को young तो नहीं बोलेंगे, because they are our, हमारे parents के parents होते हैं. So my granny is old. So young and old. These are also describing words because they tell us about the age of someone. Young, my mother is young, my granny is old. Okay, so they are telling us about the age of something.
Then Mr. Tata is a dash man. Now here we can write rich or poor also. Mr. Tata कोई भी हो सकते हैं. But Mr. Tata real में there is a person Mr. Ratan Tata and he is an extremely rich man. बहुत ही rich है. So here we will write Mr. Tata is a rich man. So rich is also a describing word. Rich or poor. He is a rich man. He is a poor man. So ये भी describing word है. Then cake is dash and yummy. Cake कैसा होता है? Soft होता है कि बहुत hard होता है? We all know that cake is very soft and fluffy. So cake is soft and yummy. So soft is also a describing word. वो हमें केक की क्वालिटी बता रहा है. What kind of cake is? Soft है कि hard है? Then we sit. क्या बोलते हो? Sit down या sit up? We say sit down. These are not describing words. Up and down. These are prepositions. Position words. ये हमें क्या बता रहे? They are telling us the position. So what do we say? We say please sit down. Or we say stand up. ठीक है ना? खड़े हो जाओ. So stand up. And sit down मतलब बैठ जाओ. So up and down are prepositions. They tell us the position. Okay? This exercise is over. Now next is match the opposite pairs. Children, I hope you have written these in your book along with me. मैं जैसे board पे exercise करूंगी, आप मेरे साथ साथ अपनी book में exercise करोगे. Okay? Now next is match the opposite pairs. Match the opposite pairs. Opposite pairs को match करना है. Okay? First is weak, happy, clean and fat, and this side is dirty, strong, thin, sad. Okay, now you have to match the pairs. What is the opposite of weak? अभी हमने पढ़ा weak का opposite क्या होगा? Weak मतलब कमजोर. तो इसका opposite क्या होगा? The opposite of weak is strong. मतलब बहुत ताकतवर, बहुत powerful. If you have to write कि अगर write the opposite of weak, तो strong and you can also write powerful. But here the word is given, we just have to match. Then happy. Happy मतलब बहुत खुश. तो happy का opposite क्या होगा? The opposite of happy is sad. मतलब दुखी. Happy, sad. I am very happy today. Yesterday I was sad. कोई reason होगा? Yesterday I was sad, but today I am very happy. Clean, clean मतलब साफ सुथरा. और dirty, dirty is गंदा. My school is very clean. Or my house is very clean, but my neighborhood is very dirty. मेरा घर तो बहुत साफ है, लेकिन मेरे घर के आसपास का एरिया बहुत dirty है. Then fat, we are left with thin only. Fat माने मोटा, and thin मतलब पतला. मैंने बताया था कि जब हम किसी के वेट की बात करते, when we are talking of weight, then we say fat and thin. But when we talk about the thickness of something, कोई book है, anything, कोई चीज है, tree का trunk जैसे मैंने बताया, कोई candle है, this candle is very thick and this candle is thin. Then we do not say fat, तब हम fat नहीं बोलते. Then we say thick and thin. This is a thick candle, this is a thin candle. Okay? So weak, strong, happy, sad, clean, dirty, fat, thin. Okay, so I hope children, you have also done these in your book.
या आपने अपने बुक में भी मेरे साथ साथ कर लिया है. दिस इज अ स्मॉल चैप्टर. दिस यूनिट 12 ऑपोजिट वर्ड्स इज वेरी स्मॉल. सो वी हैव फिनिश्ड दिस यूनिट. नाउ आफ्टर दिस ए और एन. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट. सो थैंक यू चिल्ड्रन. दैट इज ऑल फॉर द डे.